हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आलू के चोखा भर के पीठा बनाना सिखाऊंगी, वो भी सबसे अलग और बेहतरीन ढंग से। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम आलू का चोखा बनाएंगे। तो एक कढ़ाई में हमने तेल डाल दिए हैं और तेल को गर्म होने के बाद इसमें हमने जीरा डाले हैं। जीरा में गोल्डन ब्राउन कलर आने के बाद इसमें हमने बारीकी से कटे हुए हरी मिर्च डाले हैं और इसे अच्छी तरीके से हल्के कलर चेंज होने तक हमें भून लेना है। और मिर्च को भूनने के बाद यहाँ पर हमने लहसुन और मिर्च का पेस्ट लिए हैं और हमने यहाँ पर अदरक का पेस्ट लिए हैं और इसे भी अच्छी तरीके से हमें हल्के कलर चेंज होने तक गैस का फ्लेम मीडियम करके भून लेना है। अदरक लहसुन और मिर्च के पेस्ट को भूनने के बाद दोस्तों अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। सबसे पहले इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर डालने के बाद इसमें हम गरम मसाला और यहाँ पर हमने मीट मसाला लिए हैं। इससे चोखे जो हैं बड़ी ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो इन मसालों को हमें अच्छी तरीके से भून लेना है लगभग 60 सेकेंड तक। और मसालों को अच्छी तरीके से भूनने के बाद दोस्तों हमने ऑलरेडी यहाँ पर आलू को मस करके रखे थे, अब हम इसमें डाल देंगे। और डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से हम गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और चोखे को इस मसाले में भूनेंगे। 2 मिनट कंटिन्यू चलाकर इस आलू के चोखे को भूनने के बाद दोस्तों अब देख सकते हैं इसमें कलर हल्के हल्के चेंज होने लगे हैं। अब हम इसमें स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से चोखे में मिक्स कर भून लेंगे। स्वाद अनुसार नमक इसमें डालने के बाद दोस्तों अब हम इसे चोखे को कंटिन्यू चलाकर 5 मिनट अच्छी तरीके से चोखे को भूनेंगे। 5 मिनट के बाद दोस्तों अब देख सकते हैं हमारे चोखे भूनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इसमें फ्रेश धनिया पत्ती ऐड कर देंगे और इस चोखे में अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। धनिया पत्ती को फ्रेंड्स चोखे में भूनने के बाद अब हम इसमें मूंगफली को डालेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमने यहाँ पर मूंगफली को ऑलरेडी भून कर रखे थे, अब हम इसमें डाल दिए हैं और इसे अच्छी तरीके से चोखे में हमें मिक्स कर लेना है। तो दोस्तों अब हमारा यह सुपर टेस्टी आलू का चोखा बनकर रेडी हो चुका है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम इस आलू के चोखे को एक थाली में निकाल कर साइड में रख लेते हैं। अब ये चोखे अच्छी तरीके से तैयार हो चुके हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर चावल के आटे लिए हैं और इसे अच्छी तरीके से हमने फुलोकर भिंगोकर अच्छी तरीके से मिक्सर में ग्राइंड कर लिए हैं। अब हम इसमें गर्म में उबले हुए पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से हम गूंथेंगे। तो ध्यान रहे दोस्तों यहाँ पर ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर गर्म उबला हुआ पानी होना चाहिए, तभी हमारे पीठे बढ़िया बनेंगे। तो इसे हम दोस्तों हाथों से गूंथेंगे नहीं, यहाँ पर एक हमने छोलनी ली है, इसी के सहारे हमें शुरुआत में अच्छी तरीके से गूंथ लेना है और आवश्यकता अनुसार इसमें थोड़े थोड़े पानी ऐड करके हमें गूंथना है। जब ये आटे में मिक्स करते हुए पानी सुमसुम हो जाए तो इसे हमें हाथों के सहारे अच्छी तरीके से गूंथ लेना है और ज़्यादा इसे कड़ा बिल्कुल भी नहीं गूंथना है, इसे हमें मुलायम ही रखना है। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने चावल के आटे को अच्छी तरीके से गूंथकर तैयार कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और पानी को अच्छी तरीके से गर्म करेंगे पीठे को इसमें हम उबालने के लिए। तो हमने पानी डाल दिए हैं और इसमें हमने थोड़े तेल डाल दिए हैं ताकि हमारे पीठे जो है इसमें ना सटें। गैस का फ्लेम हाई कर दिए हैं और इसे दोस्तों हमने ढक दिए हैं और इसे उबाल आने तक हम इंतज़ार करेंगे। तो यहाँ पर तब तक दोस्तों हमें पीठा बना लेने हैं चावल के आटे से। तो सबसे पहले हमने हाथों में पानी लगा दिए हैं ताकि सटे नहीं और थोड़े इसमें हम चावल के गूंथे हुए आटे लेंगे और इसे अच्छी तरीके से गोल करेंगे। और गोल करने के बाद दोस्तों हाथों में पानी लगा के इस तरीके से अंगूठे के सहारे लंबा कर लेना है। और लंबे होने के बाद दोस्तों अब हम इसमें थोड़े आलू के चोखे इसमें डालेंगे। ध्यान रहे दोस्तों इसमें आवश्यकता अनुसार ही डालना है, ज़्यादा डालने से हमारे पीठे फट भी सकते हैं। तो इसमें हमने थोड़े चोखे डाल दिए हैं और इसे अच्छी तरीके से हम हाथों के सहारे से इसे हम अच्छी तरीके से बंद करेंगे। जिस प्रकार हम लिट्टी बनाते हैं उसी प्रकार इसे हमें हाथों से इस प्रकार से दाब कर बंद कर लेने हैं और एक्स्ट्रा भाग इसे हमें निकाल लेने हैं और इसे हमें गोल कर देना है। और थोड़े इसमें पानी लेकर हाथों में लगा कर हमें इस प्रकार से हाथों से डिजाइन बना लेने हैं। जैसा कि दोस्तों वीडियो में देख ही सकते हैं इसी प्रकार से आपको पीठे में डिजाइन देना है और यह देखने में दोस्तों काफ़ी आकर्षक लग रहा है। सेम इसी प्रकार से आपको आलू के चोखे भरकर पीठे को तैयार कर लेने हैं। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं 5 मिनट के बाद हमने इतने सारे
पीठे चावल के बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे के प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 10 मिनट के बाद पानी भी अच्छी तरीके से उबालकर गर्म हो चुके हैं। पानी में उबाल आने के बाद इसे हम एक बार चम्मच के सहारे अच्छी तरीके से मिक्स कर दिए हैं। अब हम इसमें बारी बारी सभी पीठे को इसमें डालेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों हमने यहाँ पर सभी पीठे को इसमें डाल दिए हैं। और दोस्तों पानी थोड़ा नीचे ही होना चाहिए, ऊपर तक बिल्कुल भी भरा पानी नहीं होना चाहिए। अब हम इसे लगभग 10 मिनट तक पीठे को अच्छी तरीके से गैस का फ्लेम मीडियम करके पकाएंगे। 10 मिनट के बाद दोस्तों अब देख सकते हैं हमारे पीठे अच्छी तरीके से बनकर तैयार हो चुके हैं। इसे हमें हाथों से टच कर देख लेना है कि यह दब रहे हैं या नहीं। दब रहे हैं तो यह अच्छी तरीके से पीठे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब जो इस पीठे में का पानी है इसमें हमें अच्छी तरीके से इस पानी को निकाल कर हमने यहाँ पर देख सकते हैं तैयार कर लिए हैं। तो चलिए दोस्तों इस पीठे को टेस्टी बनाने के लिए भूनने चलते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई में हमने तेल डाले हैं। तेल गर्म होने के बाद इसमें हम जीरा डालेंगे और जीरे में हल्के गोल्डन ब्राउन कलर आने के बाद इसमें हम पीठे को डाल देंगे। और पीठे दोस्तों डालने के बाद लगभग इसे हम 2 मिनट कंटिन्यू चलाकर भूनेंगे। दोस्तों आप देखेंगे कि यह धीरे धीरे इसमें का कलर जो है बदलने लगेगा। और दोस्तों पीठे भूनने से जो है ये ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इसमें हम थोड़े से काला नमक ऊपर से डालेंगे ताकि टेस्टी बने। अब दोस्तों इसमें काले नमक डालने के बाद अब हम इसमें थोड़े गरम मसाला डालेंगे। और गरम मसाला डालने के बाद दोस्तों इसमें हमें लगभग 1 मिनट कंटिन्यू चलाकर भून लेने हैं। इस तरीके से अपने घरों में पीठे भूनकर बनाइएगा तो ये बच्चों को भी ज़्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों अब आप देख सकते हैं यह पीठे अच्छी तरीके से भूनकर तैयार हो चुके हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम इस पीठे को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं हमारे पीठे अच्छी तरीके से भूनकर तैयार हो चुके हैं और इसमें कलर भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और आकर्षक दिखने में लग रहा है। और दोस्तों खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। दोस्तों अब इसे आप एक चाकू से सारे काट कर देख सकते हैं तो यह अच्छी तरीके से अंदर का भी भाग बहुत ही ज़्यादा पक कर तैयार हो चुका है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।